पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका, मैं उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रैल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह की 7 बजे से हो रही है और मेरी मम्मी ना यहाँ बाहर पे बना रही है हलवा, वो भी आटे का हलवा। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं जेठी माँ और मम्मी, यहाँ पे आग भी जला दी है और बारिश बंद होने के बाद ही कुछ दिनों बाद ही यहाँ पे आग जलाई, 2-4 दिन बाद। तो यहाँ पे हमने बरसाती वगैरह रख रखी थी, तो मम्मी ने कढ़ाई में दूध भी डाल दिया है। जेठी माँ चाय पी ली? दूध भी डाल दे हैं मम्मी, तेन पी ली? अच्छा, मेहमानों को चाय दी, पानी दिया और हलवा बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, फिर ये चली जाएंगे। हाँ, तो अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे हलवा बनाया जा रहा है और वो भी करछी से। वीरू कहाँ गया? हर्ची गया। तो आज करछी से बनाएंगे हम हलवे को। खो गया, हर्ची नहीं, खो गया। तो यहाँ पे दूध में भी उमाल आ गया है और मम्मी इसमें आटा डाल रही है और जेठी माँ करछी चला रही है। तो मैंने तो पहली बार देखा भाई करछी से बनाते हुए। हेलो, बढ़िया बाँध दो घर में कहीं दबाण है। अच्छा, और यहाँ पे अभी दोनों बहनों में लड़ाई हो रही है। एक बोल रहा है वो होंगे बल इसमें गोले गोले टाइप के आटे के। तो ये देखिए भाई, करछी से भी काफी अच्छा हलवा बनता है। तो जेठी माँ ने देखिए भाई काफी अच्छे तरीके से वो किया है, खीना है। तो ये भी बनके तैयार हो गया है हलवा, तो बन गया है। अब ना रोटी बनाएंगे, तो मैं आटा गूंथूंगी, वो भी गेहूं का आटा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे ना गेहूं का आटा भी निकाल दिया है, थोड़ा ही निकाला है क्योंकि साथ में हलवा भी है। तो अभी ना यहाँ पे आटा गूंथ लेते हैं। तो मैं जैसे ही मैं यहाँ पे आटा गूंथ रही हूँ, एक तरफ से मम्मी यहाँ पे नाश्ता भी परोसने लग गई है नानी लोगों के लिए। तो मैं रोटी बना रही हूँ और मम्मी एक तरफ से नाश्ता भी देने लग गई है, क्योंकि जो हलवा होता है वो गरम गरम अच्छा होता है खाने में। तो मैं भी यहाँ पर गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट में है मटर पनीर की सब्जी और साथ में है गेहूं के आटे की रोटी। तो चलिए जी, अब गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और मेरी नानी यहाँ पे आग सेक रही है। नानी, कण अभी नाश्ता है, कण लगनी है, बढ़िया लगनी जी। है नानी जी यहाँ पे आग सेक रही है, यहाँ बाहर पे अच्छी सी आग जला रखी है और पहाड़ी गीजर चूल्हे में रख रखा है, तो इसमें पानी रख रखा है गरम करने के लिए। जेठी माँ कणा वे नाश्ता बहुत अच्छा बनाया मेरे लोग भी खेला, पनीर भी खेली, बधाई तो की बात है, बधाई खाना बनाया। अच्छा, खाना बनाने की बधाई दे रही है खाना। अच्छा, फिर आना है कभी? और भाई के लिए कोई लड़की होगी तो आप लोग जरूर देखना पंकज भैया के लिए, कमेंट जरूर करना। ओ, तो कमेंट जरूर करें जो घर भी देखे, बस बाहर भी देखे, अंदर भी देखे। जेठी माँ लोग तो लगे हुए हैं गप्पे मारने पे घर पे। तो काफ़ी दिनों बाद नानी जेठी माँ हमारे घर आई, तो मम्मी तो घर के कामों में लगी हुई है, लंच वगैरह बनाएगी, बर्तन वगैरह हैं घर में, सफाई वगैरह है, तो थोड़ी देर नानी के साथ बैठेगी,
फिर घर के काम करेगी। और अभी मैं आ रही हूँ घास के लिए, और जहाँ मैं घास के लिए आ रही हूँ ना, तो यहाँ धूप भी नहीं लगी हुई है, काफ़ी ठंडा ठंडा सा है भाई यहाँ। और मेरे को ऐसा लगता है ना कि मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं आ रखा है, रास्ता बिल्कुल सुनसान सा है ये देखिए भाई। और अब ना धूप भी लगने वाली है इधर की साइड। और यहाँ पे है पानी की टंकी, तो इसी टंकी का पानी ना हमारे घर के लिए जाता है ये देखिए। तो पानी की टंकी ना अभी आ रहा है, और बरसात के टाइम ना यहाँ जो ये टंकी है इसके बाहर आ जाता है पानी, और गदेरा तो बोले ही क्या, ये तो काफ़ी ख़तरनाक आता है। और हम ना इधर ही की साइड को घास के लिए जाते हैं बरसात के टाइम। तो चलिए जी अब चलते हैं, बाकी यहाँ पे कुछ इस तरह का रास्ता है। और ना जब बादल फटा ना हमारे यहाँ, तो बादल फटने के बाद यहाँ रास्ता बनाया गया, कि पूरा रास्ता ना तबाह हो गया था, यहाँ भयंकर वाला गदेरा आए भाई यहाँ। तो ये देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं। तो फाइनली ना जहाँ मैंने बांझ काटना है ना, मैं वहाँ भी पहुँच गई हूँ। तो यहाँ पे है बांझ का पेड़, तो इसके ऊपर दिखाई दे रहा है, तो ये वाला बांझ का पेड़ काटूँगी। तो दोस्तों चलिए जी अब चलते हैं पेड़ पे, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो फटाफट चलती हूँ, और मैं अकेली आ रखी हूँ जंगल। और ना ये ना वन है, यहाँ हमारे काफ़ी सारे बांझ बूंझ के पेड़ हैं, तो काटूंगी फटाफट से। काफ़ी ज़्यादा आड़ी बांझ के पेड़ हैं भाई यहाँ। तो ये देखिए एक ये रहा, एक उधर की साइड रहा, तो काफ़ी सारे हैं। फाइनली मैंने बांझ भी काट दिया है, और बांझ काट के रखा हुआ है उधर की साइड, तीन गरुली काटी बांझ की। तो अब भारी लगा देते हैं, और आज मेरे पास ट्राईपोड नहीं है, नहीं तो वीडियो बनाने के लिए अच्छा होता है जंगल में कि फ़ोन यहाँ पे रखो, मतलब ट्राईपोड पे लगाओ फ़ोन को, और फिर बांझ को इकट्ठा करो। तो मैं ऐसे ही करती हूँ जब जंगल जाती हूँ। और आप लोगों में से कई लोगों का कमेंट था कि आपने झूठ बोला कि आप जंगल अकेले जा रही हो। एक दिन अपने घास की चारी पर जा रखी थी, घास के लिए मतलब बांझ के लिए जा रखी थी, और आप लोगों ने बोला था कि आपके साथ कोई और भी है। तो ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों से झूठ क्यों बोलूँगी। मैंने ट्राईपोड पे रखा हुआ था मैंने फ़ोन को, फिर वीडियो शूट कर रही थी ऐसे ही, फ़ोन वहाँ पे रखा ट्राइमर पे, फिर वहाँ से घास लेके आई। तो मैंने किया था शूट अपना ब्लॉग भी, कोई और नहीं था मेरे साथ। तो चलिए जी अब तीन गरुली की भारी लगाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे बांझ की भारी भी लगा दी है, और यहाँ पे ना थमाली छोड़ गई है, तो थमाली को भी मैं भारी में रखूँगी। बाकी यहाँ ना कोई नहीं है मेरे अलावा, आज पता नहीं कौन क्यों नहीं आया कोई जंगल में गांव के, क्यों इधर की साइड बांझ के ले जाते हैं गांव की महिलाएं। लगता है आज नीचे की साइड जा रखे होंगे, या तो ऊपर की साइड जा रखे होंगे घास के लिए। तो चलिए जब थमाली को यहाँ भारी में रखते हैं। और पहाड़ी लोग ना बोझा पीठी पर ले जाते हैं, सिर में नहीं ले जाते हैं। चलिए जी मेरी भारी भी लग चुकी है, तो भारी तो काफ़ी हल्की हो रही है, अब चलते हैं। और मैंने आज ना बांझ छोटा छोटा काट रखा है। तो दोस्तों मैंने पानी पिलाने के बाद ना दोनों के पास घास भी डाल दिया है, और गाय को ना अंदर ही बांध रखा है, क्योंकि इस पर ना चोट लग रखी है ना, क्योंकि ये वाली भैंस भी मार रही है और वो वाली भैंस भी मार रही है। तो चलिए जी अब चलते हैं घर। Oh, oh, oh.
चलिए जी आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए। लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मोनिका मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।